देखिए, जब से मैंने डिपार्टमेंट को टेक ओवर किया है, बढ़ते हुए कार एक्सीडेंट्स, दुर्घटनाएं हमारे लिए एक चिंता का विषय है। और इसके लिए समय समय पर हम पुलिस विभाग के साथ भी जॉइंट बैठक समय समय पर कर रहे हैं। कई ब्लैक स्पॉट्स को आइडेंटिफाई प्रदेश के अंदर किया गया है। उनमें से बहुत से ब्लैक स्पॉट्स पे जो है क्रैश बैरियर्स लगाने का कार्य भी हुआ है। अभी हमें कुछ पैसा जो है वो NDRF के माध्यम से भी आया है, और उसमें भी मैंने अपने विभाग को निर्देश दिए हैं कि उनको उस जगहों पे लगाए जाए जहाँ पे इसकी सख्त आवश्यकता है। मगर तब भी ये सारे के सारे ब्लैक स्पॉट्स को कवर नहीं कर सकता है, और बहुत सी ऐसी जगहें अभी भी है जहाँ पर पर्टिकुलरली हायर एरियाज में, ट्राइबल एरियाज में, या जो बहुत दूर दराज के इलाके हैं जहाँ पे हार्ड स्ट्राटा है, वहाँ पे बहुत से एक्सीडेंट्स अभी भी हमको देखने को मिल रहे हैं। कई बसों में पूरे के पूरे परिवार जो है दुर्घटनाग्रस्त हो जाते हैं, उनकी जान चले जाती है। ये हमारे लिए एक बहुत चिंता का विषय है, और इसमें हमको नई टेक्नोलॉजीज जो वर्ल्ड ओवर इस्तेमाल की जा रही है उसको प्रदेश में हमने इम्प्लीमेंट करने का हम प्रयास कर रहे हैं। अभी एक दो दिन पहले हमें ये जानकारी प्राप्त हुई थी कि एक ऐसी टेक्नोलॉजी जो है वो ग्लो पेंट की, नियॉन गोल्ड जो आपका ग्लो पेंट है, उसको उसका इस्तेमाल जो है कई यूरोपियन कंट्रीज में और ऑस्ट्रेलिया में करवाया जा रहा है। तो उसके लिए मैंने अभी शुरुआती तौर पे अपने विभाग को लिखा है कि इसका प्रिक्योरमेंट करवाया जाए, और कुछ एरियाज खास करके जहाँ पे बहुत धुंध होती है मानसून्स में, क्योंकि कई किलोमीटर ऐसे होते हैं जहाँ पे आपको सड़कें ढंग से नज़र नहीं आती है। फॉर एग्जांपल, हमारा जो शोगी का स्ट्रेच है, जब हम शिमला से आते हैं तो वहाँ पर भी कई दुर्घटनाएं जो है वो बरसातों के मौसम में होती है। तो उसमें ये बहुत जो है वो उपयोगी हो सकता है, इसलिए इसके लिए हम प्रयास कर रहे हैं। क्रैश बैरियर्स तो हम लगाएंगे ही जगह जगह पे, और वाइडनिंग भी उन एरियाज की जहाँ पे जो आइडेंटिफाइड एरियाज है उनकी वाइडनिंग करने का भी प्रयास कर रहे हैं। मगर ये एक नई प्रक्रिया है, एक नया ख्याल है कि हम जहाँ पे बहुत धुंध होती है या जिन एरियाज में नाइट ड्राइविंग के लिए आपके जो ड्राइवर्स है उनको सुविधा देने के लिए नाइट जो है ग्लो पेंट लगाने का कार्य करेंगे, तो उसके लिए हमने डिपार्टमेंट को निर्देश दे दिए हैं। इसका शुरुआती तौर पे कुछ सड़कों पे इसका हम प्रयोग करेंगे, और फिर एज एंड वेन जहाँ पे इसकी डिमांड होगी, जहाँ पे लगेगा कि ये और एरियाज में लगाया जा सकता है, उस तरीके से हम इसको प्रदेश की और जगहों में भी इम्प्लीमेंट करने का प्रयास करेंगे। मगर सबसे पहला अभी जो हमारा सबसे बड़ी प्राथमिकता है वो प्रदेश की जो खराब सड़कें हैं, खस्ता हाल जिस एरियाज का है उनको ठीक करने का है। उस पर मैं लगातार विभाग के साथ बैठक कर रहा हूँ, और मुझे खुशी भी है कि अभी कई अलग अलग स्कीम्स के अंतर्गत कई काफ़ी पैसा प्रदेश सरकार को आया है, हमारे विभाग को आया है। PMJSY के अंदर अभी इंसेंटिव का अच्छे जो मापदंड हमने तय किए हैं उसके 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 मार्फत हमें करीबन 37 करोड़ रुपए उसका इंसेंटिव में मिला है। नबार्ड में भी अभी हमारी जो है जो पहली किस्त आई है इस वित्तीय वर्ष की, उसमें भी हमें करीबन 102 करोड़ रुपए मिला है। और भी हम मेंटेनेंस के लिए या और हेड्स में हम केंद्र सरकार से भी समय समय पर सहयोग की आवश्यकता अनुसार जो है वो उनसे भी सहयोग मांगेंगे। तो हमारा यही अभी प्राथमिकता रहेगी जो कि जो बनी हुई सड़कें हैं उनका रखरखाव भी हो और पॉट होल्स को बढ़ा जाए, ये मेरी सबसे बड़ी प्राथमिकता है। अभी मैंने कहा भी है, मीडिया के माध्यम से भी कहा है, आज फिर से इस बात को दोहरा रहा हूँ कि जब अभी हमारा सत्र खत्म हो जाएगा उसके बाद मैं खुद जो है कई जो हमारे दूरदराज के इलाके हैं, दुर्गम क्षेत्र है, वहाँ का दौरा करेंगे, और जो वहाँ की सड़कों की खस्ता हाल है उसके लिए मौके पर जो है उसको ठीक करने के सख्त निर्देश जो है वो विभाग को दिए जाएंगे। और कोई भी कोताही उसमें, चाहे विभाग की ओर से चाहे ठेकेदार की ओर से, उसको हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। लाइफ टाइम्स टीवी लेकर आ रही है जूनियर डांसर्स के लिए शानदार मंच, हिमाचल डांस चैंपियनशिप, 16 साल तक के डांसर्स के लिए चमकने का सुनहरा मौका, सोलो ग्रुप और ड्यूट कैटेगरी में स्टेट लेवल का कंपटीशन, वीआईपी और सेलिब्रिटीज की उपस्थिति में रनर इन फिनाले, ऑडिशंस की डेट्स जल्द अनाउंस होगी। देखते रहिए लाइफ टाइम्स टीवी, हिमाचल का सबसे लोकप्रिय डिजिटल न्यूज मीडिया चैनल।